जय हिंद दोस्तों। आज 7 मई सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। डीए 50% के बाद एआईसीपीआईएन के आंकड़े नहीं जारी किए गए, सीधा मिलेगा डीए, इस पर बड़ी अपडेट है। एएफटी ने भेजा डिफेंस सेक्रेटरी को समन, 1800 केस इग्नोर किए गए। सेना में बदलाव बनाएगी दुश्मन सेना, अब सेना ने खुद अपनी एक दुश्मन सेना बनाने का प्रस्ताव भेजा है, इस पर बड़ी अपडेट है। विसंगतियां खत्म करने का वादा, पूर्व सैनिकों का खुला समर्थन। सैनिकों के बच्चों को बिना नीट दिए डॉक्टर बनने का मौका है, इस पर बड़ी अपडेट है। और 89% ऑफिसर एएफटी ने एमओडी को भेजा नोटिस, इस पर बड़ी अपडेट है। जॉब सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है जेसीओवार के लिए, इस पर बड़ी अपडेट है। सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं। डीए एआईसीपीआईएन के आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं 2 लगातार महीनों के बाद। 1 मई की सुबह केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, लगातार दूसरे महीने भी एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। बता दें कि 50% डीए होने के बाद फिर जो जनवरी से आपके एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जनवरी महीने के तो जारी किए गए, लेकिन फरवरी और मार्च महीने के आंकड़े रिलीज नहीं किए गए सरकार की तरफ से। और ये आंकड़े केवल जनवरी के रिलीज होने के बाद फरवरी मार्च महीने के होल्ड कर दिए गए। लेबर डे पर भी नहीं इसको जारी किया गया। बता दें लगातार 2 महीने के एआईसीपीआईएन आंकड़े जारी ना करने का मतलब है कि क्या केंद्र सरकार बिना एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के ही डीए बढ़ाएगी? इससे संबंधित एक बड़ी अपडेट है। एक आरटीआई डाली गई है और ये आरटीआई डीए के एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को ये आरटीआई लिखी गई है। और इसमें जो क्या क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आरटीआई का जो स्टेटस डिटेल है, इसमें कहा गया है द शेड्यूल डेट फॉर रिलीजिंग एआईसीपीआईएन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 वाज 28 मार्च 2024 एंड वाज टू बी अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, यानी अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए 28 मार्च को एआईसीपीआईएन के आंकड़े, लेकिन अभी तक उसको अपलोड नहीं किया गया है। बट इवन आफ्टर 2 वीक्स डाटा इज नॉट रिलीज आफ्टर देयर इज नो नोटिफिकेशन, कोई किसी तरह का नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया है और ना ही डिले का कोई कारण बताया गया है। तो इसमें कहा गया है प्लीज शेयर रीजन फॉर डिले, व्हेन विल बी सीपीआई आईडब्ल्यू विल रिलीज फॉर फरवरी 2024, यानी कि क्या कारण है ये बताएं, और फरवरी के जो आंकड़े नहीं दिए गए इसमें देरी के कारण क्या है ये बताएं। इसमें कहा गया अगर कोई कॉमन मैन किसी तरह की इंफॉर्मेशन देने में डिले करता है तो उसको पेनाल्टी देनी पड़ती है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो पर भी इसको लागू किया जाएगा? तो ये कहा गया है कि हमारे ऊपर तो पेनाल्टी डाल देते हो, क्या इस पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई पेनाल्टी पड़ेगी? तो इसका अभी रिप्लाई आया नहीं, जैसे कोई रिप्लाई आएगा तो उसका मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा। एक बड़ी अपडेट आई है, ऑर्डर इग्नोर इन 1800+ केसेस, एएफटी समन्स डिफेंस सेक्रेटरी ऑन मई 8। 8 मई को डिफेंस सेक्रेटरी को एक नोटिस लिखा गया है और लिखा जाए दिया गया है और 8 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है कि 1800 केस जो एएफटी ने ऑर्डर दे दिए थे उनको लागू नहीं किया गया, इसे एमओडी ने इग्नोर किया है। तो इस पर लिखा गया है कि आपने जो 1800 हमने ऑर्डर दिए थे उसको इग्नोर करने का क्या रीजन है, क्यों इग्नोर किया गया है? अब डिफेंस सेक्रेटरी को समन लिखकर एएफटी ने जवाब मांगा है और ये जवाब 8 मई यानी कि कल देना होगा सरकार को। बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट, सेना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सेना सैन्य अभ्यास में दुश्मनों की भूमिका निभाने के लिए नई यूनिट बनाने पर विचार कर रही है, इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। इसमें कहा गया है द इंडियन एक्सप्रेसवे को बताया गया है कि सेना में एक नई इकाई यानी नई यूनिट बनाने पर विचार किया जा रहा है। युद्ध प्रशिक्षण के दौरान एक प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मन की भूमिका निभाने के लिए ये यूनिट बनाई जाएगी।
यानी कि अब जो यूनिट एक बनाई जा रही है, इसका काम होगा कि दुश्मन सेना बनकर अपनी ही सेना से एक एक्सरसाइज के रूप में, प्रतिद्वंदी के रूप में काम करना होगा। यानी कि अब जो सेना बनेगी, ये यूनिट बनेगी, इसमें दुश्मन सेना का काम करना होगा। बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आई है, ओआरओपी अग्निवीर और कई विसंगतियों को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसको तुरंत खत्म करेंगे और 10 साल से जो जो मांगे हैं पूर्व सैनिकों को, उनको बहुत ही जल्द इसको खत्म करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस को पूर्व सैनिकों ने जबरदस्त समर्थन भी दिया है। बता दें ये पंजाब की खबर है। औजाला में पूर्व सैनिकों का स्वागत और धन्यवाद किया है। कहा है कि अगली सरकार बनने पर कांग्रेस पूर्व सैनिकों के सभी मुद्दों का समाधान करेगी, उनके मुद्दों की संसद में प्राथमिकता के आधार पर उठाने का भी वादा किया है। यानी उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिक सुखदेव सिंह ने कहा कि एक सैनिक 10 साल सीमा में लड़ने के लिए तैयार होता है, यानी कि 10 साल जब नौकरी कर लेता है तब वो लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन भाजपा ने सिर्फ 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती कर एक अन्याय किया है। जिन्होंने पहले अच्छे दिन का नारा दिया था, अब उनके काम में बुरे दिन आ रहे हैं सैनिकों के। इसमें कहा गया है कि सैनिकों के कल्याण को नजरअंदाज किया जा रहा है, साथ में सेना में ऐसे बदलाव जो कि अग्निवीर ठीक से परिपक्व भी नहीं हो पाएंगे और उनको सेना में 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, तो वो सेना के लिए क्या करके देंगे। बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आई है, अब आप नीट दिए बिना भी अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। बता दें आपके बच्चे यहां से एडमिशन लें तो आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं, नीट की कोई जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कई पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि नीट देकर ही हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नर्सिंग कॉलेज में दाखिला दिलाकर नर्सिंग यानी कि एमएनएस भी बनवा सकते हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और जल्द ही इसके 12वीं पास होने के बाद आप सीधा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेके आप अपने बच्चों को, जो पूर्व सैनिक सैनिकों के बच्चे हैं, उसमें दाखिला दिला सकते हैं। इसमें कहा गया है 50% न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, जो आपको 50% मिनिमम योग्यता होनी चाहिए और आप इसमें अपने बच्चों का दाखिला दिला सकते हैं। एमएनएस के लिए सुनहरा मौका है। बात कर लेते हैं, एक और बड़ी अपडेट, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर सिलेक्शन एससी नोटिस टू एमओडी इंडियन एयरफोर्स चीफ। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स चीफ को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक नोटिस भेजा है, और नोटिस किस कारण से भेजा है, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन थर्सडे इशू नोटिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स प्ली एलिगिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यानी कि इंडियन एयरफोर्स में जो लेडीज हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और उसमें कहा है कि 89% रिजर्वेशन टू मैन इन सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो भर्ती होती है, सिलेक्शन होता है, वो 89% ऑफिसर मैन के लिए सिलेक्शन होता है, जबकि महिलाओं के लिए मात्र 11% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। और इसमें ये चैलेंज किया गया है कि क्या महिलाएं, अगर उनका कट ऑफ ज्यादा जाती है तब भी महिलाएं मैन जो जेंट्स हैं उनके कोटे में रिजर्वेशन नहीं ले सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एमओडी और इंडियन एयरफोर्स चीफ को एक नोटिस भेजा है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें बता दें ग्रुप ए और बी की वैकेंसी है, जिसके तहत हवलदार जो ऑनरी रैंक ऑनरी नैब सुविधा रैंक है वो अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में जेसीओ और ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। तो हवलदार 24 साल सर्विस करने वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है ये ऑफिसर के लिए है, पे लेवल 12 वाली, तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बता दें पे लेवल 7 वाले में अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि इस पे लेवल 7 की सैलरी रहेगी। और बता दें 47 वैकेंसी सिक्योरिटी ऑफिसर की निकाली गई है, टोटल 108 वैकेंसी है। इसके लिए बता दें 60 दिन का टाइम है, आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 60 दिन के अंदर अंदर आप इसको भेज सकते हैं। बता दें इसमें जेसीओ तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में हवलदार जो कि ऑनरी नायब सुबेदार है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।